नहीं पाना, दिखावा करना पड़ता है ना, इसलिए इडली खूब बिके, धंधा खूब चले, फोकट में इडली खाने वाले कम आए। किसका पार्सल है? सरकारी अस्पताल से 10 प्लेट इडली का ऑर्डर है, उधर ही जा रहा हूँ मैं, तुम टपरी संभालो। ऑर्डर किसका है? उधर के एक डॉक्टर को फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसी के रिश्तेदार ने मंगवाया है। अरे उसको बोलो इडली खत्म हो गई है। अरे इतने अच्छी कमाई को लात कर को मार रहे हो। हाथ ले। कमाई पे लात नहीं, हमारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। उस डॉक्टर को कल मैंने अपने हाथों से डोसा खिलाया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। ले ले, धंधे में ध्यान दे। आओ हवलदार साहब, डोसा खा के जाओ ना। अरे इसकी हियरिंग है, खाकर जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। बिना कुछ खाए जाएंगे ना तो कान का हियरिंग बंद हो जाएगा और पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगा, गैस का गोला। ये भाग जाएगा अगर मैं खाने बैठूंगा। जरा मुंह तो देखो इस मासूम का, इडली की तरह बिल्कुल नरम है वो। ये तो अकेला मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा सकता, ये क्या खाक भागेगा। खोलो खोलो इसको, इसको गाड़ी से बांध लो, खा लो फिर जाओ। भागने की सोचना भी मत, ये कीचड़ में पड़ा था वो इडली, लाओ ना। बिल्कुल हिलना मत, मासूम दिखता है, झूठे केस में फंसाया लगता है। ये सोचना हमारा काम नहीं है, चल तू पानी डाल। अरे मेरा मुजरिम भाग रहा है, कोई रोको उसे। अरे कोई ऐसे भागता है क्या? मेरी हथकड़ी तो देते जा, वरना मेरी पगार से पैसे कटेंगे। ये उस गांडा भाई ने मेरा इडली सांभर का दुकान तोड़ दिया और तुम्हें हथकड़ी की पड़ी है। अच्छा मालिक, सारे बर्तन टूट गए, सारे गोल पहिए चौकोर हो गए, बर्तन को चटनी लगी थी तो कुत्ते लोग चाटने के लिए बर्तन ले गए। आपके पापी पिता का फोटो बचा, ये लो। अरे मैंने पिता के प्रेम में इस मनहूस फ्रेम को नहीं टांगा। किसी ने बोला है गधे का फोटो लटकाने से धंधे में गुड लक आता है, गधे लोगों ने अपना फोटो दिया नहीं तो मैंने इस गधे का फोटो टांग दिया। मेरी दुकान का फाफड़ा ढोकला हो गया, अब ये फोटो क्या काम का है, इसको फेंक। मालिक, हमारी किस्मत खुलने वाली है, ये लेटर नहीं है, लॉटरी का टिकट है। तू गांडा हो गया है। अरे मालिक, को जमींदार बहुत बीमार है, तो इलाज के लिए तुम्हारे पिताजी को बुला रहे हैं, कोई भी कीमत देने को तैयार है। मेरा पिता तो नरक में बैठा है। जरा गौर से देखो, तुम में और तुम्हारे पापी बाप में एक ही फर्क है, तुमको डिटर्जेंट पाउडर से धोया तो ऐसा ही सफेद होएगा। लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं है ना। तो उनको नहीं पता, ये तो आप उनके बीच का सीक्रेट है, नकली डॉक्टर बन के जाएंगे और असली कैश लाएंगे। दिल पत्थर का हाथ लोहे का, नाम है सिंघम, एक बार पंजा मार दूं चबा नहीं पाएगा। सिंघम छोड़ दे यार, मम्मी मरी गई। मैं पिक्चर का डायलॉग बोल रहा था, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे यार। बोस और गोटी कौन है यहाँ? सपना तोड़ दिया पुलिस वालों ने। टांग उठा के नमस्ते सर। टांग क्यों, हाथ में दिक्कत है क्या? हाथ का तकिया बनाया, टांग फ्री है। लेकिन दूसरा हाथ तो फ्री है ना? अरे जिस हाथ से धोता हूँ उससे पुलिस वाले को सलाम करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो तू सलाम नहीं करेगा? हा? मुझे क्या 150 रुपए महीने के पगार पे रखा है सलाम ठोकने के लिए? लेकिन अगर प्यार से बोलेगा ना तो घर पे आके ऐसे सलाम ठोकूंगा, हेलो सर। घर पे बाद में आएगा, तुझे अभी ठोकूंगा। क्यों चल, हीरोइन घूंघट उठाने वाली थी, बीच में असिस्टेंट बन के आ गए। ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे हमारा कोई स्वप्न दोष है। दोषी तो खुले आम सांड की तरह घूम रहे, कोई एटीएम मशीन लेके भाग रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई बॉम्ब फोड़ रहा है। हम तो सिर्फ नींद में अच्छे दिन देख रहे हैं, वो भी आपसे देखा नहीं जा रहा है। अरे छोड़ना, कानून अंधा होता है, चल सो जाते हैं। सलाम करना सिखाता हूं, बात करो। चल तो कॉलर छोड़, चल चल चल। पर जीप में नहीं जाऊंगा, बीएमडब्ल्यू लेकर। इसे पैदल ले चलो। मुझे हाथ लगाओगे, आपका ही हाथ गंदा होगा, 10 दिन से नहाया नहीं हूँ। अच्छा मेरे जबरे फैन हो, इससे मिलना है क्या? पहले मैं तो मिल लूं। कब जाएगा मिलने? नेक्स्ट जन्म में पक्का। देख लिया, मेरे टक्कर की हीरोइन है, मेरे साथ काम करने के लिए मर रही थी। देखा, भाड़े का यूनिफॉर्म है फिर भी डीसीपी से बड़ा लग रहा हूँ ना। तेरी तो, तुझे तो मैं अपनी गाड़ी धोने के लिए ना रखूं और तू डीसीपी बनेगा? इसके लिए यूपीएससी क्लियर करना होता है, तुम दोनों कूड़ा भी क्लियर नहीं कर सकते। सर जी मेरा टाइम बदलने तो दो, आपको ही अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखूंगा। मैंने दबंग 3 साइन कर ली है, एक दो जन्म में शूटिंग चालू हो जाएगी, फिर देखना मेरा जलवा। दबंग दबंग दबंग, जहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, पुलिस स्टेशन में होगा। चलो सर, हाथ मत लगाना सर, मैं कोई उंतरू फुंतरू नहीं है जो हवालदार हाथ लगाए। मुझसे बात करने के लिए पहले मेरे फैन पेज पर रिक्वेस्ट भेजो, उसके बाद ही बात करूंगा, क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है। फैन फॉलोइंग? हाँ तो बोस बाबू के साथ खेलिए कौन बनेगा विद्या का पति। दैट्स माय चीफ गेस्ट गोटेंद्र, यानी कि मैं। अच्छा बैनर लगाने का परमिशन नहीं है? अरे बाप रे, झंडा फहरा दिया है। कमले ये बैनर और झंडा सब उतार दो। सर खबरदार, इस बोर्ड को हाथ लगाया, इस बोर्ड को उतारने से पहले मेरी जिंदा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। इसे उतारने पर आपको शनि का प्रकोप लगेगा, आपका चाय पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा, जो भी ये उतारेगा सिर्फ उसके घर पे भूकंप आएगा। भूकंप बोले तो अर्थक्वेक।
मुझे इंग्लिश आती है। ऊपर वाले बचा ले इस नादान को, बाउंडर आएगा, तूफान आएगा। बस्कर, छोटा भीम नहीं है, जग्गू की तरह इतना मत कूद। अरे बस्कर, इन लोगों ने अपना पोस्टर उतार के अच्छा नहीं किया। अब देखना पोस्टर बॉय का कमाल, इन सभी पुलिस वालों का वॉन्टेड का पोस्टर लगवाऊंगा। इंस्पेक्टर सदाशिव हाजिर हो, इंस्पेक्टर सदाशिव हाजिर हो। पोस्टर उतारने की वजह से इन्हें कोर्ट में लाया गया है। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास कोई वकील है? कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद मत करो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। तुम कौन हो? मैं हूँ एडवोकेट पटेल। ओहो, वकील। आज तक मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पूर्व में जगन्नाथ पुरी से लेकर पश्चिम में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक, उत्तर में खड़े हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एडवोकेट पटेल की ही लहर चलती है। मित्रों, सस्ता एक्टर है, दो वड़ा पाव पर डे। अगर एक्टिंग इम्प्रूव हो गई तो इसको रात को पुलाव में ज्यादा पनीर डाल के देंगे। जीएसटी से बड़ा खर्चा, लोगों ने निकाला मोर्चा, शुरू हुई चाय पे चर्चा। ये संसद नहीं है, कोर्ट है, मुद्दे की बात करो। इमोशनल हो गया था मोटा भाई। ये मेरा क्लाइंट जो है ना, ये विद्या गांव का लोकल स्टार है। अभी विद्या गांव में कौन बनेगा विद्या का पति शो होस्ट करने वाला है, तो पोस्टर तो छपेगा ना। बेचारे के अच्छे दिन आएंगे। और ये पुलिस वालों ने बेचारे का सेकंड सुपरस्टार बनने का सपना तोड़ दिया पोस्टर फाड़ के। अभी आप ही बताइए तिलक वाले जज कुमार, इस गांव का नौजवान अगर सपना भी नहीं देख सकता तो जिएगा कैसे? इसके लिए मैं कोर्ट से विनती करता हूँ कि इसको पोस्टर लगाने का लाइसेंस दे दीजिए। एप्लीकेशन छे बकुड़ी। That's all your honor। इस केस में इंस्पेक्टर सदाशिव को कोर्ट ने दोषी पाया है। इनके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया जाता है। इन्हें न सिर्फ अपने हाथ से बोर्ड और झंडा लगाना पड़ेगा बल्कि ऑफिस का इनॉग्रेशन भी करना पड़ेगा। केस इज क्लोज्ड। शक्ति, मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसी के लिए पहनी है। सुना, यूनिफॉर्म देख के उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। शक्ति, शक्ति कौन है बे? तेरे बचपन का दोस्त, योर पैल गोपाल। आपका दोस्त गोपाल आया है? गोपाल, थैंक यू भगवान, थैंक यू। कसम बनाने वाले की जो आज तेरे दोस्त को पुलिस वाला बना दिया, सर पर टोपी और हाथ में डंडा थमा दिया। How's I looks? मैं तो चला लगता हूँ एकदम झकास। जैसे अमिताभ पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखता था, अजय, सलमान और अक्षय खाकी में चमके थे, वैसे ही तेरा दोस्त चमक रहा है। तू गोपाल को देखकर लाल हो रहा है। इसका चीरहरण पक्का है। तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है ना? बता, ये खाकी मुझ पर कैसा लग रहा है? Returns of Dabang। शुरू होगी जंग। मैं इस शहर के एक भी बदमाश को चैन से सोने नहीं दूंगा। मेरे सामने पुलिस की वर्दी कैसे पहन के आया? खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे ऐसे फाड़ा है कि सेलो टेप से भी नहीं चिपकेगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ खाकी रंग की अंडरवेयर नहीं पहनी है, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पुलिस वाले की क्या हालत कर दी है। मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मुझे एक खरोश तक नहीं आ सकती। साले, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे सामने पुलिस की वर्दी पहन के आ गया? मिस्टर गणेश, मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, सोच समझ के जवाब देना प्लीज। ठीक है सर। बॉस आगे, रेडी रहो। ऐशो जो माई बाबू, कैसी हैं? ठीक है जी। अरे वाह, सास अपने दामाद की कितनी इज्जत करती है। यही मेरे बॉस लक्ष्मी दास है। एक क्लीनर बनकर यहाँ नौकरी पर लगे थे, लेकिन उसका क्लीन हार्ट देखकर उन्होंने उसे मालिक कम दामाद बना दिया। डार्लिंग, आई एम रिचो ऑफिस, यू आर इन डीप स्लीप, सो आई डोंट डिस्टर्ब। सॉरी जानू। जूस ड्रिंको, टाइम पे खाना ईट लो, योर हेल्थ माई वेल्थ। मुझे छींक आ रही है, कहना है छींक सकता? थैंक यू डार्लिंग। सासू माँ,
आई स्नीजिंग सो व्हाई आर यू क्राइंग? जो माई बाबू, दुनिया में छींक और मौत ही ऐसा चीज है जो बिना परमिशन का आता है, किंतु उसके लिए भी आपने मेरी बेटी का परमिशन लिया। आप सिर्फ जमाई नहीं बल्कि मेरा बेटा हो। सासुमा, योर डॉटर इज नॉट ओनली माई वाइफ, शी इज माई होल लाइफ। नमस्ते सर, सलाम करो। डार्लिंगो, आई विल रीच यू एट 8 o'clock। जो माई बाबू, एक मिनट। मैं जाता हूँ। प्लीज, थैंक यू, यू कंटिन्यू। टेक योर सीट। बच्चे ने बोला तुम्हारे बारे में। बच्चा? कौन बच्चा? मुझे प्यार से बच्चा कहते हैं। शुरू शुरू में लोग मेरे रौब से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आदत पड़ती है। यहाँ काम करना हो तो 3D याद रखना। जी सर। 3D क्वालिटीज, ड्राइविंग, डिसिप्लाइन, डिजेंसी। ये बताओ, कार चलाने आती है? आशम, ये लो। सर, ये क्या है सर? हाल खा हाल। इसका मतलब तुम शराब नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना, अगर पीते होते तो आराम से इसे नीचे रखते, लेकिन तुमने झटके से रख दिया। आई एम करेक्ट? बिल्कुल सही सर। आशम, मुझे पता है तुम स्मोकिंग भी नहीं करते। आपको कैसे पता? ऑफिस में एंटर करते वक्त तुम CCTV कैमरा नंबर 4 के सामने से गुजरे, तब मेरे एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर सिगरेट का धुआं फेंका, तभी तुम्हारा सुंदर चेहरा सुर से सिकुड़ गया। ओके, अब तुम्हारी डिजाइन सी चेक करते हैं। तुम फेसबुक पे हो? नहीं सर। यानी तुम फोटोज अपलोड करके लाइक्स की गिनती में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। व्हाट्सएप पे हो? नहीं सर। गुड, यानी तुम ग्रुप्स में चैट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई लाइक इट। ट्विटर पर हो क्या? वो क्या सर? इसका मतलब तुम जली कटी कमेंट से किसी का दिल नहीं दुखाओगे। कभी नहीं, कितने अच्छे हैं सर। So, तुम सोशल नेटवर्किंग की सारी बुराइयों से अभी तक बचे हुए हो, इसलिए तुम्हारी स्माइल किलर स्माइल है। थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो पूछने में डाउट मत रखना। देखो, डरो मत, डाउट है तो पूछ लो। पूछ लो। पूछो ना। सर, आपने लेडीज चूड़ीदार क्यों पहनी है? हेलो, रॉन्ग नंबर है, बाद में फोन करो। ये चूड़ीदार नहीं है, खास डिजाइनर आउटफिट है। सॉरी सर, सॉरी, बच्चा है। यू आर इनोसेंट, आई लाइक यू। यस, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू बॉस। कहरे, तेरी खूबसूरती पर तो शीला और मुन्नी भी फिदा है। मेरे को अगर चांस मिल जाए तो बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करके उनकी तो छुट्टी कर दूं। तू तो मेल वर्जन है ऐश्वर्या राय का। लोगों को तेरी खूबसूरती की कदर नहीं है। चल मारी। अरे साला, तेरी मेरी रानी का कांच फोड़ा। एक गाड़ी रोक। अबे ओ भूतनी की औलाद कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे गाड़ी के टायर में। पागल है क्या? अभी तक रानी को खरीदे 2 ही महीना हुए और तूने उसका सीधा ठोक दिया। अभी तक मैंने नहीं ठोका। साला, अभी किसके आईने में देखूंगा मैं अपनी जान से सुंदर शक्ल। टैक्सी खाली है? साइड मिरर टूट गए। ले, चलेगा तो बोल। क्या हुआ ब्रदर, सुबह सुबह इतने टेंशन में क्यों? अरे सवेरे सवेरे किसी येड़े ने मेरी इमेज को डैमेज कर डाला। सुबह सुबह क्या खुद की शक्ल देखी थी? अबे पहली गाड़ी पकड़ के मेरे जले पे यहाँ तू नमक छिड़कने के लिए आया क्या? नहीं, मैं बस कह रहा था। किधर जाने का है वो बोल। पार्ला जाना है मुझे। हाँ तो चलो ना, छोड़ता हूँ। लो सामान लो। साला, ये भी एक साइड से डैमेज ही है मेरी रानी की तरह। लगता है ये भी कहीं से ठुकवा गया है। चल अंदर। भाऊ, किधर से हो तुम? तुम कोल्हापुर से हो ना? माँ आईला, तुमको कैसा पता चला? तुम्हारे स्टाइल से पता चलता है, पूरे कैरेक्टर हो। स्टाइल पे तो पूरा कोल्हापुर मरता है। यहाँ मुंबई में कब से होता? यहाँ पे लगभग अपन को 15 साल हो गए। वैसे तुम कहाँ से हो? गई है तुम्हारे? 5 साल पहले हुई थी। भाई को गाँव वाला है। और बच्चे? और तुम्हारी? 2 बच्चे हैं मेरे को। क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? हमेशा सवाल मेरा होता है और जवाब पैसेंजर का होता है, लेकिन आज तो सारा सब उल्टा हो रहा है। इसको गाड़ी से उतारने से पहले एक सवाल तो पूछो। देखो, एक मिनट, मेरे को भी तुमको एक सवाल पूछने का है। ठीक है, पूछो। बोलने का नहीं है बीच में? हाँ, नहीं बोलूंगा। ये बताओ, इधर कौन सा काम से आया है? जाना है मुझे। ये लेफ्ट में गाड़ी लगा दो। मारी, कसला पैसेंजर है, KBC खेल रहा है मेरे साथ। चलो उतरा। साला, आज का दिन ही खराब है। पूरे रास्ते में इसकी बकबक सुननी पड़ी। पता नहीं बैग में क्या भर के लाया है। थैंक्स साहब। पैसा
यहीं वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे भाई इसको एक चाय देना। फिर टपका? अरे मेरे को मुंह है मांगने को। हाँ जानता हूँ, उसी मुंह के लिए तो चाय मंगाई है। हेलो सर। हाय, आई एम कृष्णा फ्रॉम चेन्नई, दिस इज माय आईडी कार्ड। थैंक यू। क्या बात है, ऐसे चुप क्यों बैठे? ए, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई? अरे तुम बोलने दोगे तब ना, पुलिस के माफिक सवाल पे सवाल पूछते हो। अगर केबीसी में इतने सवालों के जवाब देता ना तो आज मैं करोड़पति होता। तुमने अपने बारे में अभी तक बताया क्या? तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, यही ना? तो पूछो क्या जानना है। थैंक यू भाई। अरे यही वो जगह, यही है ना? मुझे यहाँ भी जाना है। अरे पीछे चली गई, रुको ना। अरे यू टर्न मारता हूँ। अभी तो दिल करता है कि टैक्सी से पूछो। शक्ल से कितना भोला है, लगता है गांवठी देशी पी पी के बोर हो गया है, इसलिए मुंबई में अंग्रेजी पीने आ गया है। साला बिना पिए ये लड़खड़ा के चलता है, पीने के बाद तो ब्रेकडांस ही करने लगेगा। सलाम भाई। हाँ। अमर भाई से मिलने कोई लड़का आया? अमर से? वो रहा सामने बैठा है। क्या रे, किससे मिलने आया है? ओ, वो मैं, आई एम कृष्णा, चेन्नई से आया हूँ। मैं राजू का भाई हूँ, मैं उसी का पता लगाने आया हूँ। किसी ने कहा अमर उसका अच्छा दोस्त है, उनसे मिल सकता हूँ मैं? राजू? कौन राजू? अगर मैं अमर से मिल लूँ तो उन्हें? मैं नहीं जानता किसी राजू को। एक्सक्यूज मी, अमर कहाँ है? वो तो बोला ना, निकल। अरे भाई साहब ठीक है ना? ए इधर आ, आ जा। उन लोगों से क्या पूछ रहा था तू उधर? राजू? हाँ राजू। राजू नहीं, राजू भाई भाई, राजू भाई। उन साले गीदड़ों को एक शेर के बारे में क्या पता होगा? कुछ नहीं। राजू भाई मुंबई का किंग। तू कौन रे? मैं कृष्णा, राजू का भाई। भाई कृष्णा? अरे बैठो 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 आराम से। राजू भाई का भाई, ड्रिंक 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 लो, ये लो, पियो पियो पियो। नहीं नहीं चेयर्स। नहीं मैं, मैं ड्रिंक्स नहीं लेता। पीते नहीं हो? नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। राजू भाई, तुम जानते हो राजू भाई क्या चीज थी? उनका नाम लेते ही लोगों की पेशाब छूट जाती थी। राजू भाई के नाम से पूरी मुंबई कांपती थी। चीयर्स। राजू भाई मेरा फ्रेंड, राजू भाई किंग। राजू भाई आएगा तो सबको मारेगा, मारेगा, मारेगा सबको, मारेगा सब। सब राजू भाई, राजू भाई। हे, ये पक्का झाइंगो क्या है? तेरे तो साले, ये क्या क्या है? माफ कर दो साहब। अबे भूतनी के दिखता नहीं है क्या? अभी भी नई गाड़ी खरीदी, दिमाग है कि नहीं तेरे पास? चल यहाँ से। जा रहा हूँ।
क्या हुआ? मुझे बीच में ही छोड़ के भाग रहे थे। क्यों ना छोड़ू, मैंने पूरी स्टोरी सुनी, मुझे तुम्हारा पूरा फ्लैशबैक पता चल गया। पहले बोलने को नहीं होता, नहीं बोलने का होता पहले कि तुम राजू भाई के भाई हो। ये देखो ऊपर देखो, तुम्हें क्या लगता है ये गाड़ी में जो मैंने स्टिकर लगाया अपने शौक के लिए लगाए क्या? देखो होल है इसमें, ये होल मेरी रानी में ऐसे नहीं बने। तुम्हारा भाई बैठे शूट आउट हो गया, लोगों के गाड़ी के टायर पंचर होते हैं लेकिन तुम्हारे भाई ने पूरी गाड़ी पंचर कर दी। तुम लोगों को सवाल पूछ पूछ के मारते हो और तुम्हारा भाई लोगों को गोलियां चला के मारता है। तुम दोनों भाइयों को खाली मेरी गाड़ी मिलती है क्या? ए भाई, छोटे छोटे बच्चे बूढ़ी माँ है मेरे को, और मेरे को रानी में ज्यादा होल नहीं करवाने, इसलिए मेरे को माफ कर दे तू जा बाबा। अरे तू बाजू लाओ रे, एक तो डेढ़ पैर लेके आ गया। अरे सुनो तो, सुबह सुबह चाय की जगह देसी मार है क्या? रे यार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नुकसान जो इसका पैसा कौन भर के देगा? सुबह से बोन ही नहीं हुई रे। बच गया, चला गया। अरे तुम अंदर आके कब बैठा? मैंने रिक्शा की फ्रंट साइड ठोक दी और तू अपनी बैक साइड टिका के बैठा है। तुम्हारा भाई वायलेंट किलर था और तुम तो साइलेंट किलर है बाबा। इसका मतलब मेरे को तुम दोनों भाइयों को इधर मुंबई में झेलना ही पड़ेगा। अब बोलो किधर जाने का है तुमको? कामाटीपुरा चलने का। कामाटीपुरा यही चौथा है, जब सही उम्र में शादी नहीं होती तो यही चौथा है। चलो अच्छा है, जवानी उफान तो मार रही है। चलो गो। सुंदर दिख रही है ना ये, क्या बात है। मैं भी अपनी शादी में ना येलो कलर की साड़ी पहनना चाहती हूँ। अरे मैं तो बनारस जाके तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आऊंगा समझी। मैं तो इन लोगों से बात कर रही थी, तो तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं हाँ, सारे मेहमानों का ख्याल रखा है, वेज नॉन वेज सब खिला दिया है। शादी हो रही है, शादी की बातें भी हो रही है, सब काम एक साथ। हाँ, सारे काम एक ही साथ। लगता है तुम लोगों से मिलने के बाद मेरा कलेक्टर बनने का सपना तो गया। जमीन पर रहो, हवा में मत उड़ो, फिर कलेक्टर बनने का सपना सच हो जाएगा। नहीं नहीं, सही बोला ना। हाँ ओके भैया। आज के बाद दुल्हन कभी नहीं हंसेगी। दुल्हन तो मुझे कुछ ज्यादा ही सीधी लग रही है। देखो मैं तो अपनी शादी में पक्का हाई हील पहनने वाली हूँ, ताकि मैं लंबी हो जाऊँ और मेरा सर न झुके। अगर उसे मेरे पास आना है तो उसे झुकना पड़ेगा। सही है पार्टनर, मैं भी ऐसी ही बीवी चाहता हूँ जो अपना और मेरा दोनों का सर ऊंचा रखे। हेलो, मैं तुम्हारी बातें कर रही हूँ, ज्यादा उड़ो मत। लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ, कुछ गलत किया पार्टनर? कुछ भी गलत नहीं किया पार्टनर। लो, भगवान के रूप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। पूरा अपने बाप पे गया है। गलती से भी इनकी तरह मत बनना। कम से कम मेरे बच्चे के सामने तो ऐसी बात मत कर। ठीक है तो तुम्हारे साथ घर घर खेलता हूँ, डॉक्टर डॉक्टर तो खेल नहीं सकता हूँ ना। लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई पीछे से उन्हें आकर हग करता है। तुम भी उन लड़कियों में से हो, इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम दोनों को मैं पता है बच्चा 3 किलो का है, जाना मत। क्या बोल रही थी? अगर मैं थक जाऊँ तो तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा और जोर से हग करना पड़ेगा, इतनी जोर से कि सांस तक ना ली जाए। अगर तुम ये कर पाओगे तभी मानूंगी तुम्हें मुझसे प्यार है। चलो हग करके दिखाओ। कौन, मैं? हाँ, हग तो कर लूंगा पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। दिखने में तो शर्मीले नहीं लगते, तुम इतना बन क्यों रहे हो? बिल्कुल सही पहचाना मुझे, बेशर्म हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा सो रहे हैं। तो क्या करें, उनके लिए लोरी गाएं? वो मैंने गा दी है, आप प्लीज उधर जाइए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी भैया, पिताजी को चादर उड़ा दो, यार का इलाज कहीं और करना पड़ेगा। हाँ तो क्या कह रही थी? हाँ तो मैं बोल रही थी मुझे रोज तुमसे 1000 किस तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ? अगर गुस्से में हुई तो 100 किस और ज्यादा गुस्से में हुई तो 500 किस और चाहिए, समझ गए? ओके। तुम्हारी बातें मेरे अरमानों को सहला रही है। शुक्रिया, हम लोग यहाँ टाइम पे आ गए। समझ गया, अब कौन आया है? मैं आया हूँ। क्यों आए हो? ये कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक 2x4 नहीं हो जाते। अच्छा, तो हमें अकेला छोड़ दो ना। हाँ ठीक है, हम लोग बिरयानी खा कर आते हैं। मोटा भाई। कौन है? हेलो, ये गोगल वाला भाई, इधर फैशन शो में आए हो क्या? मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं है, बॉक्सिंग है इधर। कंचे खेलने का गेम नहीं है इधर, कड़क रहने का मेरी तरह। गधेड़ो आंटा आकर ब्रश नहीं किया क्या? मम्मी, ये 1.5 पसली के आदमी को किसने रेफरी बनाया? दोनों छोकरे मैदान में आओ, एक दूसरे को ग्रेट करो। अच्छा कैसा भाई, घर में सब ठीक ठाक? पानी टाइम पाता है? ग्रेट करने को बोला है, गप्पा घर जाके मारना। ठीक है चलता हुआ। ए ओके वाला इधर आ। क्यों? कॉमेडी करता है। रिंग में नो फ्रेंडशिप, ठीक है? तू इसका दुश्मन और तू इसका जानी दुश्मन। इसे डांस फ्लोर नहीं कसाई खाना समझना, चीर डालना एक दूसरे को। नाउ द रूल्स एंड रेगुलेशंस,
अंग्रेजी तो आता नहीं होगा, हिंदी में बोलता हूँ। टोटल 10 राउंड है। अच्छा? ए भाई, रिंग के अंदर राउंड नहीं लगाने, बॉक्सिंग के राउंड खेलने। एक राउंड 3 मिनट का, 10 राउंड के कितने? 25। ए तेरी मैथ्स की तो 30 मिनट। हाँ, तेरा फ्यूचर ब्राइट है, लाइफ सेट है, मैथ्स का टीचर बनेगा। जैसे पहला राउंड खत्म होगा 1 घंटा बजेगा, मतलब लंच टाइम हो गया। भुकड़ी आत्मा, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू बॉक्सर है ना? क्या बॉक्सर ऐसे होते हैं? इसको कहते हैं असली बॉक्सर। ये गधेड़ा जैसा मुंह करता है तुझे तो मैं कभी कुत्तों को लड़ते देखा है? ठीक वैसे ही तुम दोनों को लड़ना होगा। मान लो दोनों के बीच एक ही रोटी का टुकड़ा है, दोनों को छीनना है, ठीक है? जैसे या तो ये बैल छीनेगा या फिर तुम छुपा छुपी करके ले लेना, ताकि तुम दोनों में से किसी एक का पेट तो भरे। और रोटी छीनने के लिए सिर्फ 3 मिनट है, तो तैयार छो? चालू करिए झगड़ा बाद में, पहले धंधे पे ध्यान। अगर ये तुमको पंच मारेगा तो तुमको बचने का है, कैसे भी लेफ्ट राइट करके, वरना नाक टूट जाएगी, ओके? और ये जब तुमको मारेगा, तुमको भी आड़ा टेढ़ा होके बचना है, तो ठीक है? एक दूसरे को मारना है, खुद को बचाने का है, और मैच टाइम पे खत्म होना चाहिए, समझो? जा जाके कपड़े उतार के। किसके? अरे भाई तेरा, सोम बाजार की जैकेट पहन के आ गया। पैसे के लालच ने मुंह बंद रखा है, वरना बताता तेरे को। देख क्या रहा है, कपड़ा उतार। मारने का बचने का सब अलग अलग साइंस होता है, पता ना? ऐसा ऐसा ऐसा, और उसके बाद यू एक करके मार। मम्मी मरी क्यों? ए बचाओ, ये मेरे को ही नॉकआउट कर दिया, ये बचाओ। रेडी, मारो। फोकस फोकस, ये फाइटिंग वाला पोजीशन लो, एक दूसरे को मारने का है। हटो। ये नीली बनियान किधर गई? एलाए, मेरे पीछे क्यों खड़ा है? खंजर भोकेगा? ए फाइटिंग करना है? अरे रे, मरी यो कमर दुखे। एक किधर? ए धीमे धीमे, आराम से। हाँ, तुम बॉक्सर है, वो तो नौ सीखे है। ये कैसी बॉक्सिंग है? तब से मेंढक की तरह कूद रहा है। सर, ये बॉक्सिंग रिंग है। पर भाग क्यों रहा है? यहाँ ऐसा होता ही रहता है, जब तक कोई किसी को मारेगा नहीं तब तक जीतेगा कैसे? यही तो खेल का मजा है। नहीं तपा नहीं, तपा नहीं, गोल गोल रानी। हाँ फोकस फोकस, ए वो लोग आना सही हो। अब तो काउंटिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो गयो, गया गया, तुम जीत गया भाई। मैं जीत गया। रागिनी, तेरा पीटर जीत गया। सर वन पोज। कितने दिनों के बाद पी रहे हैं, दिमाग में जंग लग गई थी। दारू में तो खुशबू ही नहीं है। खुशबू चाहिए तो मेरा बॉडी स्प्रे पी लेना। अरे कितने दिनों के बाद मिला है, गला गीला करने। ये पानी आ बहन शू करे छे? कुएं में अंगूठी गिर गया। ए मार दिया, ए मार दिया, तूने मार दिया ना? इतने दिनों से लोगों को मारी है, अभी तेरी बोल बोलता हूँ। बुला बुला सबको, ए बुलाने। ए इडली खाने के लिए मुंह क्या खोल रहा है, चिल्ला के बुलाने? तुझसे नहीं होगा, तुझे किक लग गई है। तू इधर ही रहना, मैं बुला के लाता हूँ। लाल साड़ी पहन के तैयार होके ऐसे खड़ी है जैसे दुल्हन का रोल करना हो, शूटिंग के लिए आई हो। लेकिन एक्सीलेटर दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये कौन है? शायद उसकी कोई सहेली होगी। सहेली है या पहेली है, दोस्त के घर रहना चाहिए ना, उसकी बॉडी में क्यों रह रही है? ये तो चुराने वाले हैं। वही रहना। अच्छा हुआ भूत ने हमारे साथ चक्कर नहीं लगाए, वरना साथ फेरे के बाद इससे हमारी शादी हो जाती। मैं जिंदगी भर कुंवर रहूंगा। रुक जाओ, थप्पड़ मारने की वजह तो बताओ। ये गंडा गंडा हो गया है, कुछ नहीं किया है हमने, फिर भी झापट पड़ रही है। अगर ये चिल्लाएगा तो पापड़ बनेगा। अगर तुम वाकई एक शेर दिल चुड़ैल हो, अगर तुमने भूतों का दूध पिया तो इसको मार के बताओ। मैं तो गया, जिस सांप को मैंने इडली खिला के बड़ा किया उसी सांप ने मुझे काटा। मेरी भूत बहना, मेरे जैसे मरे हुए को मार के आपकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। Thank you.
है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। अपनी झूठी शान और शौकत के लिए तुमने मेरे पति और बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया, अब दया की भीख मांग रहे हो? उनसे भीख मांगो जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं, बचा लेंगे वो तुम्हें। मालिक पता नहीं क्यों लेकिन बॉडी बहुत दर्द कर। सही कहा, सस्ती पी के तो माथा दुखना चाहिए, ये शरीर क्यों दुख रहा है? हवे मने खबर पड़ी। वो क्या है? नशे की हालत में हमने किसी को जोर जोर से मारा है, हमने तो मारा और हमारा शरीर इतना दुख रहा है, जिसको हमने मारा उसका कितना दुखता होगा। नींबू आत्मा के बारे में बताएगा, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही शक्तिशाली नींबू है, अंकल ने कहा है तो सच ही होगा। सब अभी तक लौटे ही नहीं। हाँ हाँ भाभी, जब से अमेरिका से लौटे हैं किसी की परवाह ही नहीं है, मेरी किस्मत में बस इंतजार लिखा है। मतलब आत्मा भाभी के शरीर में? किसकी? माया की। हाँ अनिता, माया की आत्मा। माया? वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल भाभी से जरा दूर रहना। मैं घर के बाकी लोगों को भी बता देती हूँ। आत्मा तुम्हारी भाभी में नहीं, मेरी बहन के शरीर में है। क्या मतलब? जहाँ से भाभी आई थी ये उस तरफ से काला नहीं हुआ, बल्कि उस तरफ से हुआ जिस तरफ से मेरी बहन अनीता आई थी। मैंने मामले को और उलझा दिया। ये अच्छा ही हुआ कि वो ये बात जानती है कि हम लोगों को भाभी पर शक है। हमें एक घंटे के अंदर अंदर अनीता को हर हाल में इस घर से दूर ले जाना होगा। वो क्यों? ये क्या कह रही हो? भाभी के शरीर में भूत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता तो पैरों के निशान देखो। बाप रे, एक पैर सीधा एक पैर उल्टा, चप्पल कैसे पहनती होगी? वैद्य जी मर गया, मुझे बुला रही है। कहाँ है वैद्य जी? जल्दी जा, भूतनी माता बुला रही है। ये चुड़ैल स्कूल टीचर की तरह अटेंडेंस क्यों ले रही है? वैद्य जी जल्दी आइए। चन्ना तू चल मेरे साथ, मुझे बुला रही है तो जाना पड़ेगा ना। चलो चलो। जय हनुमान, बहुत ज्ञानी गहरा सागर कपीश समथिंग बहुत बहुत। गलत क्यों बोल रहे हो? इसे ऐसे बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हूँ लोक उजागर। भूतनी भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ रही है, इससे तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आपके चेले ने मुझे बालों के लिए दवा दी थी, ठीक है, लेकिन जब से लगाना शुरू किया है बाल और तेजी से झड़ रहे हैं। फिर तो इसे नकली भूतनी कह के बुलाना पड़ेगा। नकली तेल बेचने के लिए ये चुड़ैली मिली थी। कौन सा तेल है? नाम तो नहीं पता पर मूंगफली का तेल लगता है। मूंगफली का तेल? मैं बदल डालूंगा चेले को। नहीं नहीं, तेल बदल डालूंगा। कौन है आप? मैं मंजू का अंकल हूँ, मंदिर के उत्सव में आया हूँ। उसने कहा तू यहाँ ड्यूटी कर रही है इसलिए मिलने चले आए। अरे घर में एक भूतनी की एंट्री से हम सब लोगों को डिसेंट्री लगी हुई है, बस एक तांत्रिक की कमी रह गई थी। आप लोग अंदर आइए, मंजू को बता दो कि उसके अंकल आए हैं। जी छोटी मालकिन आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। रेस्टोरेंट में जाके मस्ती मत करना। चलो संभल के जाओ। अभी आप नहीं आ रही? नहीं, सर में बहुत दर्द है। आप जब से आई हैं घर से बाहर नहीं निकली है, चलिए आज बाहर डिनर करते हैं। अगर वो मना कर रही हैं तो तुम जिद मत करो। ये हम लोग को ले चलो। हम साथ में चलेंगे। इतने बड़े घर में भाभी के साथ अकेले नहीं रह सकते। ठीक है आप भी चलिए। चल चल आजा आजा। चलो चलो आगे गुरुजी। चलो तुम्हारे अंकल डिनर पर नहीं आ रहे क्या? वो डिनर कर चुके हैं। आज वो हम सबका डिनर कर जाती। आगे बैठो कि पीछे बैठो? नहीं नहीं छुप के पीछे ही बैठ जाती हूँ। बिना कंडक्टर वाली बस
पीछे आओ ना, अच्छी हवा आएगी। हवा नहीं उल्टी आएगी, मुझे बस में उल्टी होती है। रुको मैं आ रही हूँ। घर पे बैठकर क्या मच्छर मारूंगी? मच्छर नहीं, हमको मच्छर की तरह मारोगी। एसी होटल में बैठ के हमारी एसी की तैसी करोगी। मेरी पास बैठ गई, क्या करूं? बकरी की बलि चढ़ेगी। यहाँ मुथु ने कहा था उसे यहीं कहीं दफनाया गया है, पर सही जगह मुझे भी नहीं मालूम। भाभी मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा पीछे जाके बैठो ना, बहुत अच्छी हवा आएगी, पीछे आराम से बैठोगी ना। क्यों बैठूं? यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाती हूँ ना, बहुत मजा आएगा। गप्पे मारते मारते मुझे ही मार देगी ये, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बैठी, भूतनी के साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं, सीट छोटी पड़ रही है। क्या मजाक है, सीट का साइज तो वही है। थोड़ी छोटी हो गई है आपके आगे के बाद। तो मेरी फेवरेट दीदी हो, मैं आपके साथ बैठूं? सबकी रक्षा करना, रक्षा करना सबकी। इस नारियल से हम उस जगह को ढूंढ पाएंगे जहां मायो को दफनाया था। मर गया क्या? मेरे पीछे जो भूतनी बैठी है अपने खंजर जैसे हाथ और छुरी जैसे नाखूनों से मेरा गला दबोच रही है। उस भूतनी के पास फालतू टाइम है, मैं देखता हूँ। यह बुड्ढा जिसको उसके नाखून समझ रहा है वो खिल रहा है, मौके का फायदा उठाना चाहिए। काका अगर मरने से बचना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। कैसा? अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं कराओगे? ये बुड्ढे ने तो फैसला ही बदल डाला। मौत के फटके बड़े बड़े फैसले बदलवा देते हैं। बहन और मिल जाएगी, जिंदगी नहीं। सारूचे सारूचे मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। पहले मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, फिर मैं जोर से फूंक मारूंगा, फूंक मारते ही तुम उछलना। भूख मारते ही वो हाथ फूर हो गया। तुम तो भूतों को भगाने के स्पेशलिस्ट लगते हो। दोनों मिलकर हाथ की बजाय पीछे बैठी पूरी भूतनी को भगाते हैं। वो भूत भगाने का मंत्र वन टाइम पासवर्ड की तरह, दूसरी बार नहीं वापर सकते हैं। भूख लगी है। भूख लगी है अनीता, एक एप्पल काट के देना जरा। सॉरी अनीता, अचानक होटल आ गया तो ब्रेक लगा दिया। आप सब अंदर जाकर ऑर्डर दे दो, मैं और सुरेश जरा गाड़ी पार्क करके आते हैं। अभी जाओ, मैं इनके साथ आ जाऊंगी। तुम तो मेरा सेफ्टी कवच हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगी। चल चलो। लगता है डिनर में हम दोनों को खाएगी। क्या कहा? नहीं नहीं कह रही थी, मैं तो बहुत बार आई हूँ यहाँ। क्या लेंगी मैडम? होटल में जितना नॉनवेज है सारा ले आओ। ठीक है मैडम। चलो ना। कहा? तुम अकेले जाओ। जल्दी चलो, कंट्रोल नहीं हो रहा, चलो ना। नमस्कार मैडम जी, शोरूम में आपका स्वागत है। ए मोटा भाई, इनका फाइनेंसर मैं हूँ। सॉरी बाबा, आपको देखा नहीं। ये लड़की के बाजू में शाहरुख खान जैसा लड़का दिखा नहीं। ये बाइक मुझे दिलाओ ना। ये घोलकी ना, तेरे लिए तीन पहिया साइकिल लेंगे, पची बाइक। ये कौन आपका साला है? अल्ले ले। एक बात बताऊं, मेरा एक और साला है, उसको वकील बनना था। उसको पढ़ाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, खबर छे उसने पहला केस मुझ पे छोड़ दिया। तो आप इसे साथ में लेके क्यों घूमता है? क्योंकि इसको तो जज बनने का शौक है। ये जज बनेगा तो अंदर डाल देगा। आप ही बताओ, बाइक सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा है? आपको गेड़ वाला चाहिए? बिगड़ गेड़ वाला? मोबाइल के चार्जर से चार्ज होने वाला बाइक? ऐसा बाइक नहीं है सर। तो मेरे को ऐसा गजब बाइक चाहिए जो सैंडविच सीटर बाइक हो। मेरी पड़ोसन बाइक चलाएगी, बीच में मैं और मेरे पीछे मेरी बीवी। हेलो, गाड़ी के बहाने मुझे ताने मत दो, शादी करके पछता रही। अगले जन्म तुम्हें ऐसा गबरू जवान मिलेगा। वो मुझसे खुश नहीं है। खुश नहीं इसलिए आपको टॉर्चर करता है। एक बात बताऊं, बीवियां बिजली के तार की तरह होती है। सही कनेक्शन लगा तो बल्ब जला देती है, गलत कनेक्शन हुआ तो जिंदगी का LED फ्यूज कर देती है। फ्री में क्या ज्ञान दिया। थैंक यू मोटा भाई, बाइक की टेस्ट राइड ले लूं
मेरे को भी लेना है। मोटा भाई मैं नई बाइक की टेस्ट राइड ले रहा हूँ और आप सेकंड हैंड की है। सर आप हमारा लकी कस्टमर है, जो भी बाइक का चॉइस करेगा इंस्टेंट डिलीवरी देगा। ऐसा क्या है बताओ, इसकी डिलीवरी कब होगी? बाढ़ आओ टेस्ट राइड कराता हूँ, चलो। ये है हिमेश एंड टीम। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, लेकिन एक बार हिमेश ने जिस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले लिया वो कभी लौट के शोरूम में नहीं पहुंचती। वो जाती है सीधे मन्नू भाई के गैरेज में, जहां उनका फर्स्ट क्लास मेकओवर करके सेकंड हैंड में बेचा जाता है। बदल डालो, बदल डालो। तीनों गाड़ियों का हुलिया कैसे बदलता हूँ, कंपनी वाला पहचान भी नहीं पाएगा। बात कम काम ज्यादा, पाप है या पाप, जाए यहां से। आराम की कमाई से ही तुझे इतना बड़ा किया, तीन नंबर का पारा फेंक, पैर तोड़ दिया। तुम प्रोफेशन बदलो वरना मैं आज ही बॉयफ्रेंड बदल लूंगी। ये प्रोफेशन कोई भी हो लेकिन इस राजा की रानी तू ही रहेगी। मेरा मेकअप खराब मत कर, जा। अरे सर इसने खाना खा लिया। खा लिया ना, अब इसे खिलाओ। इधर आ सर। क्या है? आपसे मिलने चेयरमैन का बेटा आया। हाँ हाँ सर, करेक्ट है? करेक्ट है सर। सर नमस्ते। सर नमस्ते, बोलो क्या काम है? कुछ नहीं सर, आप हमारे एरिया में पहली बार ट्रांसफर होकर आए हैं ना, इसलिए पापा ने आपका स्वागत करने के लिए और एक लेटर देने के लिए कहा है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है सर, ये लो रखो। वो लेटर देना। लेटर दो, हम वो हैं जो नाम से ज्यादा काम पर भरोसा करते हैं। सर वो क्या है ना, मार्केट में गुंडों ने परेशान कर रखा है, बस उनको जरा संभाल लेना, उसी के लिए लेटर दिया है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना। हाँ। अब तुम देख लेना, इस गांव में गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं। अरे अगर तुम किसी गुंडे या फिर उसके गैंग के बारे में जानते हो तो मुझे बताओ, चुन चुन के मारूंगा। इस गांव में झगड़े मारपीट पब्लिक डिस्टर्बेंस वही लोग करते हैं, यहाँ तक की पुलिस वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं। नहीं सर इतना टेंशन मत लीजिए सर, टेंशन से आपके बाल झड़ जाएंगे। और सुनो, तुम जैसे लोग हैं तो टेंशन की जरूरत नहीं, गुंडों का नाम सुनते मेरा बीपी हाई होता है। सर इसने खाना खा लिया। सुनो एक छोटा सा काम आ गया, मैं खत्म करके आता हूँ। ओके सर। कांस्टेबल इधर आइए ना, ये इंस्पेक्टर को क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों रहता है? देखिए बात यह है कि टेंशन की वजह से इनका हर छह महीने में ट्रांसफर होता रहता है। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, इनको आए एक घंटा भी नहीं हुआ है और यहाँ पर आकर इन्होंने 20 लोगों की 20 रेडियां बुरी तरह तोड़ डाली। आप जाइए, अभी इनका धुलाई का टाइम है। ओके ये चाय पानी के लिए, ऐश करो, चलो। क्यों रे, माला डालकर इंस्पेक्टर को मस्का लगाने आया है? कंप्लेन देने आया था। एक अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने एरिया में तोड़फोड़ करे, तेरी तरह कंप्लेन देने नहीं आता वो। तू मेरा दुश्मन है ये बोलने में मुझे शर्म आती है। मुझे तो बचपन से ही तुझे अपना दुश्मन बोलने में शर्म आती है। तेरी बात का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग है, दोबारा मत मिलना। कम ऑन। इतनी हिम्मत, ये चिरकुट झिंगुर मुझे फूल देकर गया। ये तो सभी से यही कहता फिर रहा है। हाँ? हाँ। अब देख इस झिंगुर को कैसे सबक सिखाता हूँ। हेलो मोटो। हेलो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है टकले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेता को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाने की? कौन है तेरा नेता बता जरा। बताता हूँ, जो तेरे सामने सफेद शर्ट और काला चश्मा पहनकर बैठा है ना, वही अपना नेता है। हम हैं सबसे ताकतवर, हमारा है सारा जहां। शेर की तरह दहाड़ता है और चीते की तरह भागता है, गुस्सा आ जाए तो पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और सुन टकले, जैसे ही अपना नेता अंदर आए ना, चाय पिलाकर इज्जत करना, अगर उन पर एक उंगली भी उठाई ना। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। मैं हाय बोलो। ए, हमारे नेता को हाथ कैसे लगाया तूने? और एक मिनट दे। दिया टकले। नहीं ये मारेगा, एक मिनट देना। हाँ ना। ऊपर वाले इधर आ, इधर आ। अब क्या ये मेरी आरती उतारेगा? अभी मैंने उसे लात मारी है, क्या करेगा तू? तो सुन, उनके शरीर से खून की एक बूंद भी निकली ना तो
पुलिस स्टेशन में खून की नदियां बहा दूंगा। एक बूंद खून की बात कर रहा है, मैं उसका एक लीटर खून निकाल दूंगा। फोन रख, अब तेरे नेता की धुलाई का टाइम है। ए, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। हो गया। ए, बॉडी आने में एक घंटा तो लगेगा। चलो चलकर चाय पीकर आते हैं, कुछ ठंडा वंडा हो जाए भाई। हाँ क्यों नहीं, चलो। मुझे जाने दो। अरे बस करो, इतना क्यों मार रहे हो? ये गोरिल्ला मेरी जान लेकर मानेगा। बेवकूफ, अगर अगली बार नेतागिरी करते दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा, याद रख। मैं कौन सी पार्टी का नेता हूँ? सुनो, अपनी शर्ट ले लो। ये मेरी नहीं है, मैं व्हाइट शर्ट पहन के आया था, मैं वही पहन कर जाऊंगा। वही सफेद शर्ट है, तुम्हारे खून में भीग कर अब ये लाल हो गई। कल तक इसमें सफेदी की चमकार थी, आज ये लालम लाल हो गई। मेरी धोती कहाँ है? वो क्या है ना कि हम उसे बचा नहीं सके। धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, मुझे तोड़ के बेहाल कर दिया। उस टकले का नाम क्या है? जाने दो ना, क्यों बेवजह पंगा ले? अरे मार खाने की वजह मुझे पता नहीं, कम से कम मारने वाले का नाम तो पता हो, दिल को ठंडक पहुंचेगी। वो तो है। और क्या, मुझे मालूम है। मजा आएगा बहुत ज्यादा। और क्या? अरे भाई, क्या भाई, अंदर आप इंस्पेक्टर के साथ होली खेल रहे थे और हम यहाँ बाहर थे। कसाई की तरह उसने कस कस के मुझे मारा। अरे? और तुझे होली की पड़ी है, तू क्या रख के तुझे एक। क्या कहा? उस इंस्पेक्टर ने आपको मारा, हम उस इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पैरों पर अंदर जाओगे और स्ट्रेचर पर बाहर आओगे। इंस्पेक्टर हमारा दुश्मन नहीं है। फिर कौन है? किसी ने तो इंस्पेक्टर को फोन किया था क्या? और उसके बाद उसने जो मुझे सिंघम की तरह तोड़ा है, मुझे मेरी नानी याद आ गई। मैंने ही फोन किया था चिरकुट। एक ही फोन कॉल में तेरी हड्डी पसली एक कर दी मैंने। पॉलिटिक्स में जीत और शादी में संगीत बहुत जरूरी है, तू भी समझ जाएगा। दुश्मनों पे पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो भाई के फेस पर एक फूसा मार के दिखा। ये कौन सा सुपरमैन? बस ना। हाँ बस, फेस पे घुसा मारने क्यों बोला? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ पंच लाइन मारी थी, इसने तो सच में पंच मार दिया। पंच लाइन के लिए मेरा ही चेहरा मिला। मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझसे नजर मिला के बात नहीं कर सकता, कैसे दुश्मन पाल रखे मैंने। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आने वाले इलेक्शन में मैं तेरे खिलाफ खड़ा हूँगा। पहले पैरों पे तो खड़ा हो जाओ, फिर इलेक्शन में खड़ा हो जाना। चलो रे। इस तरह घूसा मारकर आपकी पब्लिक इमेज का 0 सन्नाटा कर गया। माना मेरी इमेज की धज्जियां उड़ गई, पर मुझे इमेज को सेट करना आता है। कल मैं छम्मक छलो चमेली को बुलाने वाला। हमें भी आने का इनविटेशन है ना? उसकी कमर तक तो ठीक से आएगा नहीं बोने। चमेली को कल बुलाकर एक जबरदस्त शो अरेंज करता हूँ, देखने वाले का मुंह खुला और आगे फटी रह जाएंगी। एक लो, एक दो, दो। तमर तो बची गयो। मामा आप है? आपने तो क्या तेरा बाप है, कान क्यों काटा? तभी मैं सोचूं कान से राई के तेल की बास क्यों आज में राई का तेल डाला था। अरे अभी तो सिर्फ शादी का कार्ड छपा है, शादी हुई नहीं और तू बिना खर्चे के सुहागरात मना रहा है। हाँ हाँ समझ लिया हूँ। दूल्हे का इंतजाम हुआ? टेंशन मत लो, हो गया। अकेला संभाल के पकड़ो ने। कल्पेश भाई केम छो? ओ हेलो हेलो, ओ भाई क्या हो गया, किधर लेके जा रहा तू? अरे ये मेरा केला है। वो मेरा है, और संभाल यार इसको तू। मुझे बड़ा भी केला ले जाता है। कल्पेश आज इधर कैसे? मेरी गर्लफ्रेंड गले में अटक गई है, मैं तो अय्याशी के बारे में सोच रहा था पर शादी करनी पड़ रही है। ए बकोड़ा, आजकल की हर छोकरी स्मार्टफोन वापर के सुपर स्मार्ट हो गई है। हाँ शादी में तेरे को एमएलए को लेकर आना है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, तेरी शादी में पठानी एमएलए खड़ा रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा सुन बेटा, वो शादी में एमएलए को लाना, पठानी का क्या काम है? ये मूछ वाला मामा, एमएलए साहब
आप पहले पठानी सूट सीते थे। एमएलए से मिलने जा रही हूँ, तेरी भी मुँह गलत करा देता हूँ। अरे बेटा खाने के पैसे तो देते, मंदिर की सीढ़ी पे बैठ के भोजन कर लो। शादी से पहले कहीं मैं काला कलूटा ना हो जाऊँ, इसलिए सनस्क्रीन लगा के घूम रहा हूँ। तू फोन पे टेंशन में क्यों था? अरे तेरे को देख के ऐसा लग रही है कि मेरी सारी टेंशन तेरे पास चली गई है, अब नो टेंशन। नमस्कार नमस्कार, ए नारे लगाओ, चाय पिला दो। अभी तक आया नहीं। ए बका, एमएलए का बहुत वट है हो? ए एमएलए चाय वाला थोड़ी है। ए जैसे ही कृष्ण पठानी से मेरा दोस्त चाहता है कि आप इसकी शादी में स्टार्ट टू एंड रहो, मतलब सुहागरात के थोड़े पहले तक। क्यों नहीं, मैं आने को तैयार हूँ, पर इसको कुछ काय को बुला रहे। वो क्या है ना, मेरे ससुराल में सब गुंडे लोग हैं, वो शादी के बाद मुझे दबाए नहीं, इसीलिए आपको शादी में बुलाना चाहता हूँ। पकड़ लगा, खुश रहो खुश रहो, जीता रहो, लेके जाओ इसको चाय और कॉफी पिला। घर की बात है यार, तू अंदर जाना बाबा, भीड़ कम कर जा। भूपाली तेली ली अदलक वाली ताई मलाई मल के लाया हूँ, पी लेना। मेरे जिगर के छल्ले। अबे इसको भी देना। लेना भाई अदलक वाली है। क्या यार, चाय पिला के और काला करेगा। इतनी सारी में उत्तरी, ये क्या किया बे? देख के टारा नहीं मार सकता, पूरी शर्ट गंदी कर दी। ए, दोस्त की उधार मांगो। अबे नए कपड़े तो ले आ। हाँ ब्लू लाना, मेरा फेवरेट। ये ले पकल। क्या थी आये वो मुहूर्त का टाइम निकल जो बका क्यों लागे छु। अरे वाह एकदम धूला लग रही है। प्रेम भाई झोल हो गया, बहुत बड़ा झोल हो गया। अबे अब कौन सी मुसीबत आ ठहरी? एक दूल्हा अचानक मंडप से गायब हो गया भाई। किसका दूल्हा? वो 21 नंबर वाली पुष्पा है ना, उसका दूल्हा भाग गया। ओहो, अबे यार एक भी दूल्हा कम हुआ तो एमएलए की नाक कट जाएगी, आत्महत्या कर लेगा। टेंशन मत ले, लाने को फोन लगा। हाँ लगाता हूँ। 10 मिनट में मुहूर्त का टाइम हो रहा है। फोन स्विच ऑफ है भाई। ओहो, ब्रह्मचारी की माला नहीं पहनी होती तो मंडप पे मैं ही बढ़िया था। क्या करूं? देखो एक ही रास्ता दिख रहा है, तुम में से एक मंडप में बैठ। अगर मेरे ताले को पता चला तो गोली मार देगा। मेरी सास को पता चला तो तुम्हारी सांस रोक देगी। कैसा स्वार्थी दोस्त है, दोस्त पार्टी में बुलाए तो ना धोके तिलक करके आ जाते। मेरा दोस्त मुझसे कुछ मांगे ना तो मैं अपनी किडनी निकाल के दे दूं। अरे दो घंटे के लिए शादी का नाटक नहीं कर सकते? लगता है इन्होंने सोले नहीं देखी है। अरे तू अपना पारा क्यों चढ़ा रही है? देख मेरा जो होगा वो तो देखा जाएगा। काम कर, तू ही कर ले शादी। लाला क्या बोल रही है? अगले महीने मेरी ओरिजिनल शादी है। तो क्या हुआ, तेरे को तो खाली शादी का नाटक करने का है ना। कल्पेश हम लोग की शादी हो चुकी है, तेरी शादी हुई नहीं है, मैं तो बोलता हूँ प्रैक्टिस कर ले। अरे बस करो यार, दबाव में आकर हाँ बोल देगा। एक कायरे प्रेम भोपाली, मेरे को नाटक करने को बोला लेकिन एक नकली दूल्हा तक नहीं ढूंढ पाया। मिल जाएगा, इंतजाम हो रही है। देख भंकस न खोकर, एमएलए ने मेरे से वादा किया है अगर मैं शादी करेगी तो खटिया मिलेगी और मेरे नौरे को सोने की अंगूठी। पर वो नरसाड़िया बिना अंगूठी लिए ही चंपा के साथ चंपत हो गया। सोने की अंगूठी मिलेगी, मैं उसे गला कर सोने का हार बनवाऊंगा अपनी बीवी के लिए। ए बका, असली सोने की दे रहे हैं या तांबा मिक्स करके? 36 कैरेट की, पता नहीं किस किस्मत वाले को मिलेगी। झट से हाँ बोलूंगा तो मुझे लालची समझेंगे, थोड़ा नौटंकी करता हूँ। एक बात बोलूँ बका, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं नकली दूल्हा तो बन जाऊंगा पर अंगूठी असली चाहिए। लालच आया लप लपो। अब तो एमएलए पक्का आएगा। स्पेशल उंधियू बनाऊंगा एमएलए के लिए, उनको तू लाएगा। पहले क्लियर कर लेते हैं, शादी के बाद तू अपने घर में अपने घर। एमएलए ने मेरे को मस्का लगाया बोल के मैं राजी हुई, वैसे भी तुझ जैसे खटमल से मेरे को शादी करके जिंदगी झंड नहीं करनी। दे ताली। अरे टाइम हो रही है, देने लेने की बातें बाद में कर लेना। अरे आए कि नहीं? हाँ, नमस्कार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। खुश रहो, ऐसे ही पार्टी की सेवा। अरे बस कर बस कर, कैसा है तू? मिलकर काम करो, एक और एक हमेशा 11 होते हैं। जी जी जरूर। मंडप में चलें? हाँ ठीक है। नमस्ते यार, जोड़ी है, सुखी रहो। मंत्री जी नमस्ते। क्यों री पुष्पा, अब कैसी है तू? पहले से आराम है, भूली तो नहीं? बस क्या। लगता है मिनिस्टर पहले ही डाय मार चुका है। स्टेज पे जितने भी महाराती है उन सबको प्रेम भोपाली का नमस्कार। अब पार्टी की बात हो या पब्लिक की, एमएलए साहब का नाम खराब करने के लिए कई आस्तीन के साहब इधर ही बैठे, और जब तक इनके साथ प्रेम भोपाली जैसा सपेरा है इनकी बीन नहीं बच सकती। धक्का काहे को मारा भाई। और सुनो, अगले साल से 25 कवारों की नहीं 25 तलाकशुदाओं की भी हमारे एमएलए साहब धूमधाम से शादी करवाएंगे। शादी के बाद देता हूँ, जाना भाई। मस्त में मुंडी मत लेना। फोटो डिलीट कर, चल जा। मैं आदरणीय माननीय मंत्री से गुजारिश करूंगा कि यहाँ आकर मेरी और अपनी तारीफ में दो दो शब्द बोले। लीजिए पकड़ी।
विवाह के बंधन में बंधने वाले सभी नए जोड़ों को मेरा अभिनंदन। भाई मैंने चित्र से गिन लिया है, पूरे 25 जोड़ियां हैं। कैसे हुआ ये? अब मैं क्या जोगी बाबा हूँ? सुख दुख ये जो गले में माला डाल के खड़े हैं, पहचाना आपने? और हमारी पार्टी का भी ये तो अपना ड्राइवर है। आपकी आंख तेज है भाई, ये विरोधी पार्टी से कैसे मिला? मोबाइल और सिम जिस तरह से जुदा होकर नहीं रह सकते, उसी तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड से जुदा होकर नहीं रह सकता। आज के ये एमएलए कल मिनिस्टर बन जाएंगे, इनके लिए जोरदार तालियां। अरे वाह, बजाओ ताली। ये रेने भाई, चल आगे चल। इसको बोलते हैं पार्किंग में गाड़ी ठोक। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरे बाद पार्टी की कमान और कोई नहीं, यही संभालेंगे। मंडल आभारी है। दादा मिनिस्टर की बेटी के पति लगते हैं, फिर भी वो तुरपाई वाले दर्जी को मिनिस्टर बनाने जा रहा। शोशुर ने सिर्फ बोला है, उसकी बेटी तो मेरी है, अब प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। आप हिट हो तो कुल्ली मार के आ। संभाल के संभाल के, आराम से। सदा सुहागरात हो। आई आई आई, आओ आओ, मेरी शादी में आना हो। आऊंगा, गले में डालो। अरे गले में डालना, ये डाल देना, ज्यादा पहनने का नहीं है, ओनली फॉर 2 मिनट। इस शादी वाले दिन तो अंग्रेजी पीनी थी ना, देसी पी के आया। हे मम्मी, लागी क्यों? अरे दारू पी ले। ये बका, ब्रह्मचारी वाली माला कहाँ गई? अरे माला पहनते वक्त मन्नत मांगी थी कि 25 जोड़ों की शादी करवा दूंगा, उधर 25 जोड़ों ने फेरे लिए, इधर माला उतर गई बस। घटिया दोस्त, खुद बच गया और मुझे फंसा दिया है। ऐसा नहीं, कोई है। बात नहीं, मुझे अंगूठी मिल गई तेरी घटियागिरी की वजह से। लालची। अरे कल्पेश, आज तूने प्रेम भोपाली की इज्जत बचा ली, थैंक यू। अरे बक्का, तेरा दोस्त हूँ, अगर तू बोलेगा कि सड़क के उस तरफ पीपल का पेड़ है, शादी कर ले, तो मैं कर लूंगा। मेरी जिससे शादी हुई वो लड़की चारपाई और चेन लेकर चली गई। वो रात भर उसके बगल में सोया, उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। अले ले, देवी को याद किया और वो साक्षात पेपर में हंसता हुआ चेहरा लेके प्रकट हो गई। साथ में देवता भी है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? मेरी नकली शादी की फोटो असली पेपर में छप गई। मेरी होने वाली पत्नी देख लेगी तो शादी के पहले ही मुझे तलाक दे देगी। तू तो बहुत काला है, इस फोटो में बहुत गोरा दिख रहा है। हां मेरा मुंह काला हो गया है, तू गोरा गोरा हो रहा है। अरे बाद में मार लियो, पहले फोन उठा। लगता है लड़की वालों की तरफ से होगा वकील का फोन तलाक के लिए। अबे हाँ बोलो मामा। अरे ये क्या किया तूने? तूने पुष्पा के गले में मंगलसूत्र डाल के मेरे अरमानों का गला घोट दिया। पुष्पा? आपको आपको कैसे पता उसका नाम पुष्पा है? मुझे क्या, पूरे शहर को पता है, हर सुलभ शौचालय में उसका नाम और नंबर लिखा है। आपका मतलब रात और दिन दिया जले? वो अकेली ही नहीं, उसकी माँ, माँ की माँ, उसकी बहन, भाभी, चाची से लेकर मौसी, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया के छोटे से छोटे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं उसके, हर जगह कमर हिला चुकी है वो। बस करो मामा, अटैक आ जाएगा। पूरे वर्ल्ड में तूने अपने कुल का नाम नीचा कर दिया। मामा जी, हम दोनों की असली शादी नहीं हुई है। मैंने तो बस, अरे सांभरो ने, अंगूठी की लालच में चट मंगनी और झटपट ब्याह कर लिया। ए मामा जी, बस ध्यान रखो मेरी अर्धांगिनी को पता ना चले। चुप कर, अंजलि के बाप ने ही फोन करके मुझे ये न्यूज ब्रेक की। ये नहीं माने, वो पुष्पा को जानते हैं? अरे न्यूज वाले तो जानते हैं। कलयुग घोर कलयुग है, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। एक अंगूठी की लालच में 10 किलो सोना गया। चीयर्स क्यों कर रहे हो? चीयर्स नहीं, इसके बाद ज्यादा ये मेरे को दे रहा है। रुको मैं पिलाता हूँ। ये ले पी, ये ले, ये चकना भी खा, दोस्ती के नाम पे दबाओ। अरे शाम जा रहे, कोई रास्ता निकालते हैं, अंजलि के घर चल के सब कुछ सच बता देते हैं। क्या अभी चलते हैं? मेरी डूबती नैया को तू तैराएगा, मेरे इज्जत के फूके में होल हो गया। मेरी नाजायज शादी की खबर आग की तरह फैल गई होगी। गलत फहमी में मत रहियो, कोई फिल्म स्टार नहीं है तू। संदीप भाई क्या हुआ? अरे कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अच्छा अभी देखता हूँ, उतर नीचे। ए बका, मेरी जिंदगी की गाड़ी को खराब करके इनका खटारा ठीक करने जा रहा है। अबे अपने संदीप भाई, मदद तो करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, संदीप भाई का दीप जलाते हैं। ए ढीला, इधर क्या कंचना खड़ी है जो तू उसको धक्का मार रहा है? 24 घंटे कंचना ही नजर आती है। अरे उसको छोड़ना, कार को धक्का मार भाई, चल धंधे में ध्यान दे। अरे तू तो पुस्ता का पति है ना? देख बका, दो खंबा गटगटाने के बाद भी मुझे पहचान लिया कि मैं पुष्पा
का पति हूँ। लगता है पुष्पा के आधार से मैं लीक हो गया हूँ। तू धक्का दे, आजा धक्का दे। लगी गयो। ए भाई सूचे, अपने पुष्पा का ख्याल रखना। हम दोनों ने पुष्पा का जॉइंट अकाउंट खोला है। अगर पुष्पा का नाम लिया ना तो पुश करके पुश कर भेज दूंगा। गाड़ी पुश कर। छोड़ना छोड़ छोड़। आजा आजा धक्का दे, दम लगा। ए भाई तू भूखा ही सो जाना चलेगा, लेकिन उसको भूखा मत सुलाना। क्या कर रही है, पागल हो रही है क्या? इसने फिर से पुष्पा का नाम लिया ना तो मैं पहले मारूंगा। धक्का मार, वरना मैं तेरी ऐ दीपड़ा। लड़की को उठवा कर उसे बेचने जा रहा था ने? नोटबंदी के बाद तेरा भी धंधा मंदा हो गया क्या? ए, कुछ भी मत बोल। ये लेडी सिंगम थी कौन? मुंबई पुणे हाईवे पे एक नया ढाबा खुला है, उसी की बेटी है। अभी सिर्फ पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है, लेकिन खुद को इंस्पेक्टर समझने लगी है। इलाके के जितने भी गर्ल्स कॉलेज है वहाँ मंडलाने वाले सड़क छाप रोमियो को मार मार के भगाती है, और मेरे बेटे जेम्स की तो 4 बार धुलाई कर चुकी है। इसलिए इसे किडनैप करके डिक्की में बंद करके पहाड़ की ऊंची चोटी से हम फेंक देने वाले थे, लेकिन तुम लोग टपक पड़े। इसे डिक्की से लड़की को नहीं निकाला, बोतल से जिन निकाला। बराबर बोला। फोन उठा। मम्मी कौन छे? फोन करे छे। हेलो कौन छे? नहीं नहीं ये रॉन्ग नंबर है भाई, मैं कल्पेश कावा। क्या बात कर रहा है, दूध वाले बता, पूरे घर में पता चल गया, फेसबुक पे पोस्ट किया। अरे बाप रे, हूं तो फेमस थे। कौन था बे? जामनगर से धीरू भाई के बेटे का फोन था। क्या बोला? बाप बेटे दोनों ने मेरा शादी का फोटो फेसबुक पे देखा। 10 मिनट में 10 लाख लाइक और 12 लाख कमेंट। होली में गरबा थे गया। बना बना डोसा बना, पहले डोसा खाएंगे फिर ढाबा तोड़ेंगे। आज बिल भी नहीं चुकाएंगे। गोल तेरी। ए ए किसको अपनी हड्डी पसली तोड़वानी है तो सामने आ जाओ। फोड़ फोड़ नहीं करनी, शांत हो जाओ बे। ए शांत। ए कल्पेश भांगी नाक। ए बका, हाथ तो पहले से टुंडा हो गया है। तू चाहता है कि मैं बैसाखी लेके चलूं? मेरी जान तो मेरी जान के लिए छोड़ दे। क्या है रे तड़का मार के? ऐसा पहले अपने लड़के को बुला। अरे वो कब पैदा हुआ? अपने भाई का लाइट टूट गया, वो लात से कुछ खा नहीं पाला है। तेरी बेटी को बुला, वो कुछ खिलाएगी इसको। अरे तो हॉस्पिटल जाओ ना भाई, यहाँ क्या कर रहे हो पापड़ से? अरे काका इंसान की तरह मारती तो ठीक है, उसने हमारी बॉडी का जल्दी भी फाफड़ा बना डाला। डॉक्टर ने बोला तोड़ने वाला ही जोड़ सकता है। अपन इससे बात ही क्यों कर रहे, चल तोड़ते। नाम है तेरा रविंदर, दिखता तू छछंदर, मारूंगी भेजे के अंदर, पहुंचेगा बोरे बंदर 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 बंदर, वो तेरी हड्डी तोड़ेगी, गर्दन मोड़ेगी, कर देगी सबको जेल के अंदर अंदर। लगता है तो हमारे पास भी हिमेश है, तू लोदा। गाना बंद करो, नाक में बूच मार दूंगा। मासी के साथ अंताक्षरी खेलने आए हो क्या? रोज सुबह सुबह बाथरूम में गाया करो। चलो डंडों से इसका सुर बिगाड़ो। चलो पहले डोसा खिलाओ। ए, अरे क्या कर रही है, बोला ना अपनी बिटिया को बुला जल्दी। क्या मगजमारी चल रही है? हाँ कौन है ये टपोरी लोग बाबा? तो खुद ही पूछ ले आलू छील के। उस दिन लगी डाकू और आज हसीना। ए ललके तू क्या लोग डंबल उतारती है क्या? मालने का तलीका होता है कि नहीं? अदरक की तलब तेला मेला कर दिया। ओए आंखें क्या फाड़ रही है, हमारी फाड़ के भूल गई? तुझे अपहरण करके ले जा रहे थे अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में। तू तेरा काम कर। नहीं नहीं हमको ये डाकू थोड़ी है जो डिक्की पे डाका डालेंगे, हम तो हीरो लोग हैं। तुमने डिक्की खटखटाई तो हमने खोला। सॉरी। अबे बोली सॉरी। वो अंधेरे में आप लोगों को देख नहीं पाई थी। कल बस कल आए तो ऐसा बोलेंगे क्या? ये बैलेंस बिगड़ जाएगा भाई। सॉरी तो बोल रही है ना वो, और क्या चाहिए? आपकी कोई गलती नहीं है, उस हालत में कोई भी होता तो यही करता। ये लोग आपका दर्द कहाँ समझेंगे? मुझे पता है कितनी मुश्किल से एडजस्ट हुई होंगी आप डिक्की में। हाँ, अपनी बिरादरी की तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ। यू सॉरी। हाँ क्या हुआ, दर्द हो रहा है? बहुत हो रही है। बाबा जरा राई का गरम तेल देना। अभी देता हूँ बाल के। आ जा। ओ मालिश करवा वाली छे, मारे पण करावी छे। ए अंजलि मारी ढींगली, अखबार में जो छपा है ना वो झूठ है। मैं तो तेरे लिए सोने की अंगूठी का जुगाड़ करने गया था, लेकिन मेरा जुगाड़ हो गया। मुझे भरोसा है, लेकिन मेरे हाथ पीले होने के बाद वो नचनिया मुझे लाल पीली करने आ गई तो मैं कहाँ जाऊँगी? उसने अपना धंधा फैला के रखा है, वो नहीं आएगी। आ गई तो सुख करूँ। देख कल्पेश, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं सौतन से लड़ूं। एक काम कर, वकील के पास जा, तलाक के पेपर्स बना, उस पर पुष्पा का साइन ले और मेरे पास आ। अगर तू कामयाब हो गया तो पब्लिक के सामने 150 रुपए के मंगलसूत्र के साथ मैं तुझसे शादी कर लूंगी, और अगर नहीं हो पाया मेरी याद को अपने पल्लू से बांध के जिंदगी गुजारोगी। हाँ सपने मत देख, उसी डेकोरेशन और उसी हॉल में अपने चाची के भांजे के साथ शादी कर लूंगी। चाची का भांजा? ए उबीर है मारी बात। तलाक
मैं उसे तलाक के पेपर साइन करा के उस पे लेमिनेशन करके आऊंगा। भाई तू तो हमेशा साइलेंट मोड में रहता है और वो वायलेंट मोड में रहती है। अगर तू उसको मैरिज रिंग पहनाएगा ना तो घर बॉक्सिंग रिंग बन जाएगा। तुम दोनों की बातें सुन के मेरे फैसले पे लेमिनेशन हो गया है। कहता पैतरा? देख भाई, अपने देश में दो चीजें पावरफुल होती हैं, एक पुलिस दूसरा पॉलिटिशियन, और दोनों एक हो गए ना तो मेरा बाल क्या कोई धागा भी बाका नहीं कर सकता। तो तेरा प्लान क्या है मेरे भाई? पहले उसको पटाऊंगा, एमएलए के आशीर्वाद से शहर का मंत्री बनूंगा, फिर शादी की पिपरी बजाऊंगा मैं। मेरी शादी तुड़वा के। अरे कल्पेश क्या हुआ बे? पहले मैं शादी का कार्ड लेके आया था, अब तलाक के पेपर लेके घूम रहा हूं। मिला रही है, बैठ जा, चाय मंगा। मेरी जिंदगी की चाय में मधुमक्खी गिरा के तू चाय मंगा रहा है? रो क्यों रही है बे? मेरा नल बाजार दुखी हो गया। कल सूरज जाके अंजलि को सब सच बता दिया, उसके गरम गुस्से पे आधा लीटर ठंडा पानी डाला। वाह, मतलब बात सीधे सीधे समझ गई। अरे नहीं भाई, सब जलेबी हो गया है। मैं उसको मिला तो उसने बोला मेरी शादी का ताला खोलने के लिए तुम्हें पुष्पा के तलाक की चाबी लगानी पड़ेगी, वरना किसी और से ताला खुलवाएगी। ए बका, 150 तोले की अंगूठी के चक्कर में 150 रुपए के तलाक के पेपर लाया हूँ। पठानी एमएलए को बोल के इस कागज पे पुष्पा का अंगूठा लगवा। अबे एमएलए तो अपना ही आदमी है, खामा खा लोड मत ले, बस पुष्पा को यहाँ ले आइए। पुष्पा का पता नहीं पता भाई? अरे पहली और आखिरी बार उसे सस्ती वाली शादी के मंडप में देखा था। कहती क्यों कर रही है, फोन लगाना। फोन किधर से करूँ है, मेरे पास नंबर नहीं है। कल्पेत अपनी वाइफ का भी नंबर तो अपने पास नहीं लग सकता। अरे वो तवायब, मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? दोस्ती के वास्ते मेरे रास्ते लगा दिया, अब मैं पुष्पा का नंबर किधर से लाऊं? येलो पेजिस पे भी नंबर नहीं होगा, कहाँ से लाऊं नंबर? ए, कोई नंबर दे दो। 909-38-616। तू पुष्पा का भाड़ खाओ है, उसका व्हाट्सएप डीपी देख के सोच जाएगी। तुरपाई कर रही है, नंबर दिया ना डायल कर। दूध वाले भैये के पास होता तो समझ में आता, लेकिन दर्जी के टाका मारने वाले छोकरे के पास? बोल भाई। 979-079-09-38-38-616-616-616 लागी गयो। अभी यही सुनना बाकी रह गया। बॉस ये क्या कर रहे हैं? एक चिल पिल। मीट माई गर्ल फ्रेंड्स। बिफोर 6 PM आई एम लक्ष्मी दास एंड आफ्टर 6 PM सेक्सी दास। ये गलत बात है बॉस। शांत हो जाओ बच्चा, जस्ट कूल डाउन। वो हर आदमी जो पब्लिक में बीवी को जरूरत से ज्यादा प्यार जताता है, हनी डियर स्वीट ड्रीम कहता है, वो एक नंबर का लुच्चा और मक्कार होता है। उसकी प्राइवेट लाइफ होती है जिसमें एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट दोनों होती है। आप लक्ष्मी मैडम को धोखा दे रहे हैं सर। शांत हो जाओ बच्चा, रिलैक्स हनी। मैं जो कर रहा हूँ वो धोखा नहीं कहलाता। असली धोखा तो वो था जब मैंने उसकी शादी के 6 रिश्ते तुड़वाए और फिर उसका पति बन बैठा और उसके साथ मैं बन गया टैक्सी कंपनी का मालिक। यहीं से शुरू हुई थी मेरे धोखेबाजी की कहानी। ये लो मेरा फोन, हर 5 मिनट में मेरी बीवी के मन में प्यार जगेगा और वो मुझे फोन करेगी, लेकिन मैंने उसे बता दिया है कि मैं रुद्र तांडव करने मंदिर में आया हूँ। अगर वो उल्टे सीधे सवाल पूछे तो तुम संभाल लेना, बस सच मत उगलना। मतलब झूठ बोलूं? सच से वफादारी निभाओगे या अपने बॉस से बेईमानी करोगे? आपने मुझे नौकरी दी है बॉस, मैं आपका वफादार रहूंगा। तुम्हारी वफादारी मेरी बीवी जैसी है। गर्ल्स। हेलो लक्ष्मी मैडम, तुम्हारा बॉस क्या कर रहा है? वो तो डांस कर रहे हैं। उन्हें कहना वो उपवास का खाना खा ले। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खा रहे हैं। उन्हें कहना थोड़ा जौल भी पी ले। कुछ तो पी रहे हैं वो। अब मैं कमरा जैसे कमर वाली आइटम कहां से आ गई? हाँ ये वाली ठीक है। ये डांसर्स हैं या बाउंसर्स हैं? अरे गणेश तुम भी आ गए क्या? वो फोन आया था सर। क्या पूछ रही थी वो बेवकूफ, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं बताया सर। जाओ मेरे अकाउंट से जूस पी लो। गो मैन, एंजॉय।